हेलो दोस्तों नमस्ते लाइव लाइफटेक दुबई चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्तों और दोस्तों आपने तो पहले थंबनेल देख ही लिया होगा आपको पता ही चल गया होगा आज का मैटर क्या है तो आज का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों आपका वीज़ा अबूधाबी क्या है और आपके पास आई का ग्रीन सिग्नल जिसको ग्रीन अप्रूवल कहा जाता है तो आपके पास ग्रीन सिग्नल भी है तो आई सी ग्रीन सिग्नल आ, होने के बावजूद भी आपको बोर्डिंग पास नहीं मिल सकता है हाँ दोस्तों ये कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को फेस कर चुके हैं तो मेरे कहने का मतलब है आपके पास आबूधाई का वीज़ा है मतलब रेसिडेंट वीज़ा है आ, और आपके पास आई का ग्रीन सिग्नल भी है तो ग्रीन सिग्नल क्या होता है ये जो ग्रीन सिग्नल अचानक रेड हो जाता है क्योंकि ग्रीन सिग्नल का कोई वैलिडिटी नहीं है पहले जो अप्रूवल था मतलब पेपर अप्रूवल था अभी तो पेपर अप्रूवल ख़त्म हो चुका है तो उसका एक वैलिडिटी वैलिडिटी था ट्वेंटी एट डेज थर्टी डेज तो अभी जो ग्रीन सिग्नल है इसका कोई वैलिडिटी नहीं है मतलब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाने के बाद अचानक ये रेड हो सकता है तो कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो लोग जब एयरपोर्ट गए थे मतलब आ, वो डायरेक्टली अबू धाबी एयरपोर्ट ट्रैवल करने वाले थे तो जब एयरपोर्ट गए थे एयरपोर्ट जाने के बाद उनका जो ग्रीन सिग्नल अचानक रेड हो गया था तो रेड होने हुन, होने जब रेड हो गया था इसलिए उनको बोर्डिंग पास भी नहीं मिल, नहीं मिला और वो ट्रैवल नहीं कर पाए तो इसलिए मतलब आ, मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों के सा, साथ ऐसा हुआ है तो आपके पास अगर ग्रीन सिग्नल है आपके पास आबूधाबी का रिशन भी जाए और आपके पास ग्रीन सिग्नल भी आए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शाहजा या रसल काम एयरपोर्ट ट्रैवल करें क्योंकि शाहजा और रसल कहम एयरपोर्ट के लिए आप ट्रैवल करेंगे तो क्योंकि ये दो एयरपोर्ट के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए हाँ कंडीशन है आप अगर छः महीने से कम यू से बाहर है मतलब इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका कहीं से भी हो सकते हैं आप छः महीने से कम है और आपका जो वीज़ा पासपोर्ट के अंदर जो स्टिकर वीज़ा चिपका हुआ रहता है वो वीज़ा एक्सपायर नहीं होना चाहिए मतलब उनका उसका एक्सपायर डेट आने वाले दिनों में होना चाहिए और ऑनलाइन भी आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए तो ये आपके साथ है तो आप विदाउट अप्रूवल भी विदाउट ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल पे भी आप शाहजा एयरपोर्ट और असल खाम एयरपोर्ट के लिए लैंड ट्रैवल कर सकते हैं और हाँ दोस्तों आप शाहजहा एयरपोर्ट और असल खाम एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करेंगे तो एयर अरबिया ओनली एयर अरबिया आपको बिना अप्रूवल से लेकर आएंगे अगर आपने आ, सारा कंडीशंस पूरा किया है तो एयर अरबिया लेकर आएंगे देखिए दोस्तों आप चाहे तो आप अबुदाबी एयरपोर्ट के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि तो आपके पास ग्रीन सिग्नल है और अचानक अगर वो रेड हो जाता है तो आपका जो ये पैसा पूरा वेस्ट हो जाएगा तो देखिए ये डिसीजन तो आपको ही लेना है मैं सिर्फ आ, मतलब आ, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बाकी आ, डिसाइड आप करेंगे आप आ, धाबी एयरपोर्ट ट्रैवल करेंगे या शारजा ट्रैवल करेंगे या रसल खाम ट्रैवल करेंगे डिसाइड तो आपके ही करना होगा मैं सब जो एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपीरियंस हुआ है आ, बहु, मेरा बहुत सारा फ्रेंड है वो इस प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके इसलिए लेकिन अबू धा आप, आपके पास ग्रीन सिग्नल है और आप अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करेंगे तो एयरपोर्ट जाने के बाद मतलब जब जिस टाइम आपका फ़्लाइट है जब एयरपोर्ट जाएंगे तो बोर्डिंग बस मिलने के टाइम अगर आपका ग्रीन से रेड हो जाता है तो आपको बोर्डिंग बस नहीं मिलेगा आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा क्योंकि अभी आप आपको पता होगा ये टिकट भी नॉन रिफंडेबल है हाँ कुछ टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं लेकिन आपको पता नहीं है एक बार रेड हो जाए हो जाने के बाद कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो इससे बेहतर है कि आप ग्रीन सिग्नल है तो भी आप साजा के लिए और रसल के लिए ट्रैवल करें क्योंकि इससे क्या होगा आपका जब मनी वेस्ट नहीं होगा आ, क्योंकि अभी टिकट का प्राइस भी बहुत है तो मुझे लगा कि ये इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि कई लोग आ, इस सिचुएशन को फ़ेस कर चुके हैं उनका पैसा भी बर्बाद हो चुका है तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता हो सके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू सो मच तो आज के लिए बाय बाय फिर हम मिलेंगे कई नए वीडियो नहीं लेकर ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ऐसे दुबई रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जॉब रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच बाय बाय